नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए, नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए, नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए। आप देख रहे हैं केवल सच। नीतीश कुमार जी इसी तरह सबको फंसाते हैं, लगातार लालू प्रसाद जी के खिलाफ किसने आवेदन किया, ये जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जी को क्लियर करना चाहिए। लालू जी के खिलाफ आवेदन करने वाले कौन है, जिसने सीबीआई को यह पूरा कागजात पहुंचाया उसका नाम क्या है? नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए। उन्हीं के पार्टी के नेता सरदेव शरद यादव जी, राजद के नेता शिवानंद तिवारी जी और जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह जी यही तो कागज देने वाले हैं, FIR दर्ज कराने वाले यही लोग हैं, और इन लोगों ने ही सीबीआई को बुलाया, ईडी को बुलाया, इनकम टैक्स को बुलाया, तो इन लोगों से नीतीश कुमार जी क्यों नहीं बोलते? और नीतीश कुमार जी को सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। और सबको फंसाने का काम नीतीश कुमार करते हैं। नीतीश कुमार जी ने चारा घोटाले में लालू प्रसाद जी को जेल भिजवाया, पूरा बिहार की जनता जानती है। और आज भी रेलवे के घोटाला में यदि लालू प्रसाद जी जेल जा रहे हैं तो वो भी नीतीश बाबू की कृपा है, किसी दूसरे की नहीं। नीतीश कुमार जी पहले केस करवाते हैं, फिर चार्जशीट करवाते हैं, फिर सजा दिलवाते हैं और फिर गुहार लगाते हैं कि इनको माफी दे। एक सवाल है, जदयू द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग जो जातिगत करना है उसे रोकना चाहते हैं, जनरल को आप लोग बीच में लेकर के आए हैं, क्या चल रहा है? आप देखिए, जब बिहार में हमारी सरकार थी, एनडीए की सरकार थी और 16 मंत्री हम हुआ करते थे सरकार में, हम लोगों ने कैबिनेट में पूर्ण रूप से समर्थन किया और आंख मूंदकर नीतीश कुमार जी पर भरोसा करके जातीय जनगणना की शुरुआत की। नीतीश कुमार जी भ्रम फैलाने में मास्टर हैं। बिहार में वो सुशासन स्थापित नहीं कर पा रहे, इससे डायवर्सन के लिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल्योर है, बिहार में सुशासन खत्म हो गया, बालू माफिया का राज है, शराब माफिया का राज है, इससे डायवर्सन के लिए ये जातियों का काट खेल रहे हैं। देखिए, जातीय जनगणना में पूर्ण रूप से बिहार भाजपा ने अपना समर्थन दिया है और आगे भी जारी रहेगा। अब नीतीश कुमार जी को एक टोला का मुखिया बनाने की तैयारी है, पता है ना आप लोग, एक दो तीन स्टेट का छोटका संयोजक बनाने की तैयारी है नीतीश बाबू का। अब उसी के लिए गए हैं, एनडीए क्यों छोड़ा प्रधानमंत्री बनने के लिए, एनडीए क्यों छोड़ा इस देश का सर्वे सर्वा बनने के लिए, अब उनको चार गो गांव का नेता बनाने की तैयारी हो रही है।